मोंटू बॉस, इस सब के बाद तो मोनिका आपसे और इम्प्रेस हो जाएगी। अरे बेवकूफ, ये सब तो ट्रेलर है। मैंने मोनिका के लिए एक स्पेशल चीज मंगाई है। अब देख आगे आगे क्या होता है। ये मैंने स्पेशली मोनिका के लिए बनवाई है। मैं उसे अभी देके आता हूँ। मंटू बॉस। ओह सॉरी। अरे मोनिका, इट्स यू। आई नो। डोंट वरी मोनिका, तुम्हारे फेस पे आइसक्रीम लगने की वजह से तुम्हारा फेस और कूल हो गया है ना दोस्तों। मैं कुछ करता हूँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मोंटू, ये रुमाल मोनिका का मुंह साफ करने के लिए। मोंटू, ये ले रुमाल, इससे मोनिका का चेहरा साफ कर ले। अभी करता हूँ। मोंटू बॉस, मोनिका आपसे इम्प्रेस तो नहीं हुई, लेकिन अब डिप्रेस जरूर हो गए। आगे सेलिंग करने में खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें यॉट यहीं से मोड़नी होगी। हेलो, समंदर में अचानक से खतरा बढ़ गया है
All boats return to shore. Repeat, सभी boats shore पे वापस आ जाएं. Oh my God, ऐसा नहीं हो सकता. It's impossible. भागो. Wonderful! Party different quality, but itni bhi different thi. Wonderful! अरे बेवकूफ, मैंने तो जबरदस्त पार्टी का प्लान किया था, पर पता नहीं, अब तो लग रहा है ये पार्टी जबरदस्ती हो गई है. गुरु, जल्दी से बच्चों को नीचे लोअर डेक पर लेकर जाओ, और इन्हें लाइफ जैकेट पहनने को दिया. Come on, fast! पृथ्वीलोक पर बच्चे किसी मुसीबत में, मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा. हम आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे. ये आप क्या कह रही है रानी परी? हाँ, बच्चों को कुछ हो गया तो? बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सबके पीछे गुरुदेव की कोई चाल हो, हमें इस तहखाने से बाहर निकाल ले. हाँ बालवीर, हो सकता है कि पृथ्वीलोक के बच्चे खतरे में ना हो और गुरुदेव अपनी जादुई शक्ति से हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो. तो हम सच का पता कैसे लगाए माँ? क्योंकि हमारा ये जादुई कुंड भी काम नहीं कर रहा है. रानी परी, मुझे बच्चों की आवाज से लग रहा है कि बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं. मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा. रानी परी, मुझे जाने दीजिए. बालवीर, हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना किसी युक्ति के हम आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप, हम सब किसी बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हैं. महेश, कितनी बार कहा कि इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये स्विच ठीक करा, लेकिन नहीं. मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे शौक लगता है वो. बाबूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पूरे घर में सिर्फ आप ही को शौक क्यों लगता है? क्योंकि मुझे शौक खिलाने का शौक है. क्या बाबूजी, उस स्विच को कुछ नहीं हुआ है, वो परफेक्ट है. देखना, अब मैं उसे छूंगा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ. देखना, देख, ये देखा, ये क्या बेटा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे शहर में शॉर्ट सर्किट हो रही है. हाँ हाँ जीजा जी, बाहर अचानक से वो बदल गया है. क्या? अरे वो जिसे हम बाहर जाके कहते हैं ना, कितना बढ़िया है वो चाट का ठेला. अ,
अरे नहीं, अरे जो साल में चार बार बदलता है वो। बाबूजी का कुर्ता। बाबूजी आप साल में चार बार नए कुर्ते खरीदते हैं ना, इसलिए बोला। साल में चार बार मौसम। हाँ मौसम, पहले क्यों नहीं बताया? Exactly. अरे बाहर एकदम अचानक से मौसम बदल गया है, चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और लगता है तूफानी बारिश होगी। लेकिन हमारे बच्चे तो समंदर के बीचों बीच यॉट पे पार्टी कर रहे हैं ना। वही तो, मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। क्या हुआ? बापूजी ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है, कह रहे कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और समंदर से तो दूर ही रहे क्योंकि तो समंदर के पानी का स्तर बढ़ रहा है। हमारे बच्चे तो अभी बीच समंदर में होंगे, अब उनका क्या होगा? अरे ये कैसा है, ये कैसा
रेडी? हाँ बॉस, कम ऑन। नहीं रुक सकते वरना बाहर का सारा पानी अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये समय डरने का नहीं हिम्मत दिखाने का है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस योर से निकलने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, यह घाट को पर मुंबई महाराष्ट्र के प्रणय पोपट जो बने हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता जिनके साथ है उनकी माँ उषा जी। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्रणय से कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं जब रात को अपने बिल्डिंग में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तभी हमारे बिल्डिंग के मीटर रूम में ब्लास्ट हुआ और पूरे मीटर रूम में आग लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं तुरंत वॉचमैन अंकल के पास गया और उनसे कहा कि आप मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, लेकिन तब तक आग बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर गार्डन में पड़ी हुई सैंड की मदद से मीटर रूम की आग को बुझा दिया। इस तरह मैंने अपने बिल्डिंग के लोगों की मदद की, ये काम करने की प्रेरणा मुझे बालवीर से मिली है। थैंक यू बालवीर। मुझे गर्व है अपने बेटे पे कि इसने इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा कार्य किया है और मैं बालवीर का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से बच्चे इतने अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू बालवीर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों प्रणय के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। मैं भी बालवीर। तो दोस्तों अगर प्रणय की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर किया किसी की मदद तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।